पातल वाले, गौर वर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा, तब अपने अधिकार से मदमत इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को ना पहचान कर पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित है अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए? ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, वे किंतु वे दिगंबर कुछ नहीं बोला। तब लोकाधीश्वर इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौन ही रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए वे दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने ये वचन कहा। इंद्र बोले, रे मया पृच्छ्यमानोऽपि नोतलं दत्त्वा प्रकृति अतस्त्वां हन्मी वज्रेण कष्टे तमस्ति दुर्मते। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ, देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। संत कुमार बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लियो देखकर उस वज्र पात्र को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित होता है।